संपत नेहरा गैंग द्वारा शोरूम मालिक से रंगदारी और लूट का मामला। करोड़ों की जमीन में हिस्सेदारी मांग रहा गैंगस्टर संपत नेहरा, आरोपियों की तलाश में हरियाणा भेजी गई चूरू पुलिस की टीमें। दिल्ली जेल में बैठे गैंगस्टर संपत नेहरा द्वारा चूरू के वार्ड 5 में स्थित मोयल टाइल और सैनिटरी शोरूम के मालिक से पिस्तौल की नोक पर रंगदारी के प्रयास और लूट के मामले में चूरू पुलिस सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तलाश में हरियाणा में दबिश दे रही है। चूरू एसपी नारायण टोगस ने गुरुवार को कोतवाली थाने में पुलिस अधिकारियों से मामले को लेकर चर्चा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि गैंगस्टर संपत नेहरा शोरूम मालिक से जयपुर रोड स्थित करोड़ों की जमीन में हिस्सेदारी की मांग कर रहा था। संपत नेहरा ने इस संबंध में 5 जनवरी और 12 जनवरी को भी शोरूम मालिक को फोन किया था, लेकिन बाद में शोरूम मालिक ने फोन उठाना बंद कर दिया तो गैंगस्टर ने बुधवार को अपने गुर्गों को पिस्तौल के साथ भेज दिया और वीडियो कॉल करके धमकाया। एसपी ने बताया कि गुर्गों की पहचान की जा रही है, टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बुधवार 3:48 पर नेहरा गैंग के बदमाशों ने रंगदारी के प्रयास और लूट की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पीड़ित पक्ष ने पुलिस को करीब 2.5 घंटे बाद इसकी सूचना दी थी। एसपी टोगस ने बताया कि संपत नेहरा कुछ महीनों पहले तक राजस्थान की जेल में बंद था, तब उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। अब 1 जनवरी से उसे दिल्ली जेल में शिफ्ट किया गया है, जहाँ उसके पास मोबाइल भी पहुँचा है। घटना करीब 3:30 के आसपास से पुलिस को सूचना 6:30-7 मिली। जब तक संपत नेहरा राजस्थान के जेल में था, इसके पास में किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल उपलब्ध नहीं था और पिछले 3 महीने से इसकी कोई इस प्रकार की वारदात सामने आई। 1 जनवरी से ये दिल्ली शिफ्ट हुआ है, दिल्ली जाते ही इसके पास मोबाइल मिल गया और जब उसके बाद में ये इस प्रकार की कॉल्स करना।